3600 करोड़ रुपए की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि डील में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल की वकील ने साफ कहा है कि मोदी सरकार और उनकी एजेंसियों ने उनके मुवक्किल पर झूठे कबूलनामे पर दस्तखत करने का दबाव बनाया जिसमें सोनिया गांधी का नाम था। मामले में क्रिश्चियन मिशेल को 2 दिन पहले दुबई में गिरफ्तार किया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड की कंपनी इटली की फिन मैकेनिका है। सुरजेवाला ने कहा कि भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई प्रधानमंत्री बदला लेने के लिए नेताओं को झूठे सबूत हासिल करने में जुटा हो। इस तरह की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि हमने तो अगस्ता वेस्टलैंड को काली सूची में डाल दिया था लेकिन मोदी सरकार ने 26 अगस्त 2014 को उसे इस सूची से हटा दिया। उसे रक्षा सौदों के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर की तरह काम करने की मंजूरी दे दी। 2014 में अगस्ता वेस्टलैंड को भारत में विदेशी निवेश के साथ संयुक्त उपक्रम में हेलीकॉप्टर कंपनी खोलने के लिए इजाजत दी गई है। संपर्क सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड से VVIP के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील हुई थी। सौदा 3600 करोड़ रुपए का था और इसका 10% हिस्सा रिश्वत में देने की बात सामने आई थी। इसके बाद फरवरी 2013 में तत्कालीन सरकार ने ही डील रद्द कर दी। उस समय एयरफोर्स चीफ रहे SP त्यागी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। जिस मीटिंग में हेलीकॉप्टर की कीमत तय की गई थी उसमें संपर्क सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस वजह से कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच कर रही CBI ने सितंबर में पूर्व एयरफोर्स चीफ SP त्यागी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसमें 4 भारतीय नागरिक और 5 विदेशी हैं। इस केस में 450 करोड़ रुपए की घूस दिए जाने का आरोप है। त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने 3600 करोड़ रुपए के इस डील को इस तरह प्रभावित किया कि कॉन्ट्रैक्ट इटली की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को ही मिले। चार्जशीट में 3 फर्म्स का नाम है। त्यागी के अलावा गौतम खेतान, एयर मार्शल रिटायर्ड JS गुजराल और त्यागी के कजिन संदीप का भी नाम चार्जशीट में है।